इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी, राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी जब धूर्त शकुनि के दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनि राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो हमारे खिलाफ तो कितने मंथराएं और कितने शकुनि करते हैं। हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? Don't make your speech so interesting. धर्म निरपेक्षता का बाना पहनकर, हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए। हम सांप्रदायिक हैं, हाँ वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरख जाति वंश और वर्धन का की वकालत करते हैं। सेक्युलरिज्म की हमारी परिभाषा यह है, हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सब अपने अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें। मेरे भारतीयता का अर्थ यही है कि भंगड़े से भरतनाट्यम तक सारे नृत्य भारतवर्ष के नृत्य हैं। भारतीयता के माने ये हैं कि जम्मू के राजमा चावल और पंजाब की मक्की की रोटी से लेकर दक्षिण के इडली डोसे तक सारे आहार भारतवर्ष के आहार हैं। भारतीयता का अर्थ यही है कि अमरनाथ से लेकर रामेश्वरम तक सारे तीर्थ भारतवर्ष के तीर्थ हैं।